नहीं गेलो तो फोन करी बहुत बड़ी संख्या में दीप दीप से राजे महाराज फोन करी यह सिमरिया का महाकुंभ नहीं बतबे पड़ब अभी हमर मोबाइल बिजी है लक्ष्मण जी ने जब विश्वामित्र जी से सुना कि अब लक्ष्य यज्ञ में जाए और देखे ईश्वर जी को बढ़ाई देते लक्ष्मण जी ने बाबा जी स्थिर चल भी तब ना हमें आपने ही कहा कि सुफल मनोरथ हो इसके बाद तो बात तो होने वाली सबको आनंद हुआ चल जब भी मुनि करके संग राम लक्ष्मण शतानंद की भगवान ने नगर के बाहर जो रंग भूमि बनाई थी केंद्र में धनुष बिना पाने का ये धनुष रखा गया पूरी नगरी रंगभूमि में उपस्थित उत्तम मध्यम व्यवस्था विशेष लोग यहाँ बैठे हैं वो यहाँ बैठे हैं महिलाओं की विशेष व्यवस्था है राज परिवार यहाँ बैठे हैं सुनैना जी यहाँ है किशोरी जी सखियों के संग बैठे साथ बैठे और दीप दीप से आए राजा महाराजा अपनी योग्यता के अनुसार सिंहासन आसीन हो चुके खटाखट रंगभूमि पर बीच में वेदिका पर भगवान शंकर का धनुष रखा गया राम लक्ष्मण की प्रतीक्षा हो रही है और मुनि के संग राम लक्ष्मण ने प्रवेश किया रंगभूमि में गोस्वामी जी कहते हैं राम लक्ष्मण एक ही है दो है और देखने वाले असंख्य है सबकी आंखें दुगुना है और आंखों के भाव खबर भी कई गुना सब अपनी अपनी दृष्टि से राम का दर्शन करते हैं काव्य शास्त्र के मुताबिक राम दर्शन करने वाले लोगों को राम बिलक बिलक रूप में दिखे Yeah.
Thank you.